प्रमोशन रिजर्वेशन की जब बात आई तो कितने डिमोशन किया उन्होंने किया, 5 साल इनकी रही, 12 से 17 तक 5 साल रहा। 5 साल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्कों में एक लाइट तक नहीं जलने दी इन्होंने। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से नफरत करते हैं ये लोग, ये संविधान से नफरत करते हैं ये लोग। पता ही, अब तक तो नफरत कर रहे थे लोग, कैसे ये बात उठाएंगे हमारी, कैसे महापुरुषों की विचारधारा को उठाएंगे, अब वहाँ विचारधारा दिखाई देती है। तो कुछ लालची लोग हैं जो जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही है, जनता वहीं पर है, जनता हाथी पर ही देगी। हाथी इतना ताकतवर है कि हाथी के जो लोग कहीं जाने वाले नहीं है, ये कुछ चंद नेता हैं जो चले जाएंगे, जाने दो इन नेताओं को, इनके साथ में एक भी आदमी नहीं जाएगा। इनकी पत्नी भी इनके साथ नहीं जा रही है, वो भी हाथी को वोट देने का काम करेंगे। इनके घर वाले भी नहीं जा रहे हैं, वो भी हाथी को वोट देने के वाले। जब चुनाव होता है गजेंद्र जी, तो चुनाव के समय जब हाथी दिखाई देता तो हाथ कांप जाता है। ये हाथी वैसे ही नहीं बना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी है, माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी है, लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानी से जब हाथी बनाए ये सरकार। जब सरकार में बहन कुमारी मायावती 2007 से लेकर 2012 तक लाखों करोड़ों बच्चे फ्री एजुकेशन ली उन्होंने, जीरो बैलेंस पर उनका एडमिशन हुआ। आज वो लोग, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई MBBS करके कहीं पहुंच गया है, कोई वकील बन गया है, आज अच्छे अच्छे अपने घरों को चलाने का काम कर रहे हैं। वो सरकार की ताकत थी। न्याय मिला लोगों को, रोजगार मिला लोगों को, एजुकेशन सिस्टम बहन कुमारी मायावती ने मजबूत कर दिया। 23 नई राज्य डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया और 23 डिस्ट्रिक्टों में अस्पताल खोलने का काम किया, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय खोलने का काम किया और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनाने का काम किया और बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स बनाने का काम किया और 88,000 टीचरों को भर्ती करने का काम किया। 1,00,000 से ज़्यादा जो गाँव के जो है, गाँव में जो कर्मचारी लगाने का काम किया, सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया, बड़े बड़े लेवल पर काम किया। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो जो सरकार के काम थे वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज सोशल मीडिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बहन जी ने अपने शासनकाल में काम किए घर घर पहुंचाने का काम किए, जितना बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में काम किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। पार्लियामेंट में आशीर्वाद देते हैं तो अखिलेश जी के पिताजी देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्रधानमंत्री बनो, दोबारा प्रधानमंत्री बनो। अगर उनके घर पर कोई पार्टी होती है तो मोदी जी उनके घर आते हैं, योगी शादी जी घर में आते हैं, उनकी आपस में सब मिली भगत है सारा, उनके लिए कोई बात नहीं करेगा। बहन कुमारी मायावती और जो बहुजन समाज पार्टी है वो BJP के खिलाफ लड़ने का काम कर रही है। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि आपके मान सम्मान, आपके अधिकारों को कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, बहन कुमारी मायावती है। आप समझिए, आप चक्कर में मत आइए किसी के में। और एक बार बहन कुमारी मायावती अब की बार 2022 में आ जाएं तो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का जितना भी रूप है सबको बदल देंगी। वहाँ से गुंडा राज खत्म हो जाएगा, वहाँ से वहाँ कभी गाड़ी नहीं पलटेगी फिर दोबारा। अब जैसे ब्राह्मणों को मारा जा रहा है वहाँ पे, सारे समाज सुरक्षित होंगे वहाँ पर। और वहाँ बहन कुमारी मायावती का नारा भी है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। ये तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबकी वोट तो ले लेते हैं मगर विकास कुछ चंद लोगों को होता है, मगर बहन जी जो कहती हैं वो करने का काम करती हैं। बहन जी ने नारा दिया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो वहाँ पर सबको न्याय मिलेगा, सबको सब सम्मान मिलेगा। एक बार आप विश्वास करके देखिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि एक बार बहन कुमारी मायावती में अपनी आस्था बना कर रखिए। अगर आस्था बनाएंगे आप और आप वोट करेंगे और आप बहन कुमारी मायावती को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो आपके आने वाली जनरेशन के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो BSP छोड़कर दलित नेता जा रहे हैं दूसरी पार्टियों में, खासकर सपा में, वो लोग कह रहे हैं, बहन जी पर आरोप लगा रहे हैं कि BSP जो है वो मिशन से भटक गई है, रास्ते से भटक गई है। क्या सपा अब मिशन का काम कर रही है? देखिए, तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि BSP अगर मिशन से हटी है या वो मिशन से हटे हैं। जब BSP उनको MP बना रही थी, MLA बना रही थी, सांसद बना रही थी, जब तो बहुत बढ़िया था। आज उनको जो पहचान मिली वो बहुजन समाज पार्टी से मिली, और पहचान मिलने के बाद जब उन्होंने खूब कमा लिया है, सब कुछ कर लिया, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो आज सोच रहे हैं कि भैया मिशन BSP मिशन से हट गई है। BSP मिशन से नहीं हटी, BSP तो अपने मिशन पर चल रही है, आज भी चल रही थी और 84 में भी चल रही थी और आगे भी चलेगी। वो कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए वो लोग चले गए हैं, समाजवादी पार्टी में गए हैं। क्या वहाँ पर जो मिशन है वो मजबूत रहेगा? वहाँ पर क्या मिशन के लिए काम कर पाएंगे जाकर? देखो, ये तो वीर सिंह जी बताएंगे अच्छी तरह कि क्या कर पाएंगे, मगर समाज सब जानता है। मैंने एक MLC साहब से मैंने बात करी कि आप सच बताएं, जब माननीय काशीराम साहब के साथ आप काम करते थे तो क्या आप नेता बनने के लिए आए थे या मिशन चलाने के लिए आए थे या सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के लिए आए थे? उन्होंने बोला कि मैं सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति के लिए आया था, मगर यहाँ सरकार जब बनी तो बहन जी ने उनको MLC बना दिया, उनको अच्छे अच्छे पदों पर रखा, मगर आज अगर वो पार्टी से निकल गए हैं या निकाल दिया गया उनकी गड़बड़ से, तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करी है।
वो नेता बनने चले गए वहाँ पर। तो नेता बनने जब चले गए तो पार्टी नहीं भटकी है, वो भटक चुके हैं, और जो लोग भटक चुके हैं वो अपनी जगह सही जा चुके हैं, उस सरकार में जा चुके हैं जिस सरकार ने हमेशा से ST ST OBC का मनोबल घटाया है, उनके ऊपर शोषण किया है। और ख़ासकर तो जो अब सरकार की बात कर रहे हैं जहाँ जा रहे हैं ये मोस्टली जा रहे हैं, का हित है समाजवादी पार्टी, मतलब ही नहीं है ना कि योगी जी पैदल पैदल अकेले चल रहे हैं और मोदी जी गाड़ी में बैठे हुए हैं। नहीं, अब तो पैदल ही चलेंगे, उनको सब जनता ने भी मूड बना लिया उनको पैदल करने के लिए। जनता उनकी कुर्सी छीनने वाली है और बहन जी को कुर्सी देने वाली है। तो ये पहले ट्रेलर है, जनता ने मूड बना लिया पहले। तो योगी जी का जो साथ में हुआ है वो आने वाली तस्वीर है। योगी जी पैदल हो गए हैं अब, और अब सीट तो किसी और को जाने, बहन जी को जाने वाली सीट ये। तो ये समाजवादी के लोग तो प्रचार कर रहे हैं कि BSP BJP से गठबंधन करेगी। देखो ये सब ये बेकार की, चाहे अखिलेश यादव योगी के साथ पीते हो, ये सब बेकार की बातें हैं। मुस्लिम आखिर सपा की तरफ क्यों जा रहा, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे हुए तब मुस्लिम कितने मारे गए, अकलक कांड हुआ आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है सारा मुसलमान जा रहा, सारा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। और जो भटके हुए मुसलमान है मेरे भाई, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप समझो बात को, जब आपके नेताओं को जेल में डाला जाता है तो जो सपा के नेता हैं वो कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ आपके वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहन कुमारी मायावती ने आपके लिए जितने भी रास्ते हैं, चाहे एजुकेशन के रास्ते खोलने का काम किया था, जो वहाँ पर गुंडा राज है उसको ख़त्म करने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। बहन कुमारी मायावती के राज्य में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो परेशान नहीं रहता है। इसलिए मुस्लिमों का जरूरत है कि बहन कुमारी मायावती के जो हाथ मजबूत करें, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएं। अगर पांचवी बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। मुस्लिमों को क्यों सपा में अपना हित नज़र आता, बसपा में क्यों नहीं आता? देखो मुस्लिम समाज में बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो वहाँ पर जो सपा के साथ में अपने उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो सारे लोगों को वहाँ ले जाना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहाँ जाएंगे। सारे लोग जो समझदार हैं, जो लोग हैं वो समझते हैं कि शासन किसका बढ़िया हुआ, 2007 से लेकर 2012 तक शासन किसने अच्छा दिया, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने ऐसा शासन नहीं दिया जैसे बहन कुमारी मायावती ने शासन दिया। ऐसी एजुकेशन व्यवस्था किसी ने बनाई जिसने बहन जी ने बनाई थी, रोजगार देने का काम बहन जी ने किया। सारे काम उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं वो बहन कुमारी मायावती की सरकार में हुए हैं। बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जो वहाँ की जनता वो चाहती है कि बहन कुमारी मायावती फिर पाँचवीं बार मुख्यमंत्री बने। तो अब जो तुमने देखा कि मोदी जी पैदल चल रहे थे, तो उनको योगी जी और मोदी जी गाड़ी में जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ वहाँ की जो जनता है उसने मन बना लिया है कि मोदी जी को पैदल कर दिया जाए, उनकी कुर्सी छीन ली जाए और कुर्सी बहुजन समाज पार्टी के पास आ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के पास कुर्सी आने के बाद इस देश में जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी एक भौगोलिक स्थिति है वो सुधर जाएगी, क्योंकि जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है कई तो देशों की इतनी जनसंख्या नहीं है। तो आज जरूरत है ऐसे नेता की जो सख्त नेता हो, दृढ़ इच्छित नेता हो, झूठ ना बोलता हो, जो कहते हैं वो करने का काम करता हो, संविधान पर विश्वास करने का काम करता हो, न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हो, समता मैत्री भाईचारे की बात करते हो। ऐसे दूसरा नेता कौन है देश के अंदर? कोई दूसरा नेता नहीं है। जितने नेता झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भी भाईचारे, अखिलेश यादव भी खूब निभाते हैं, चाचा को अलग कर दिया, निभाते हैं, मगर यहाँ प्रधानमंत्री खुद झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने 3 वादे किए, बड़े बड़े मोटे मोटे वादे बता रहा हूँ आपको कि जब मेरी सरकार आएगी। मेरा सवाल है, अखिलेश यादव भी तो भाईचारा निभाते हैं ना, अपनी कुर्सी छीन ली उन्होंने, चाचा को अलग कर दिया, वो अलग बात है, उनके परिवार का मामला है, उनके परिवार की बात है, वो एक मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ तो 50 मुख्यमंत्री बनते हैं जब बनता है, तो आपने देखा ही होगा, उनका मामला है, वो अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो बढ़ाते हैं अपने परिवार को, तो उनको किसी से लेना देना नहीं है। सत्ता मिलेगी तो मुसलमानों के लिए दंगा होंगे, उनकी सरकार में दंगा नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर किनकी सरकार में हुआ, अखलाक किसकी सरकार में मरा, दादरी में बताइए ना। तो अगर मुसलमानों को इतनी वो करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हितेशी हैं, तो उनकी सरकार में ऐसा क्यों होता है? वो किसी के हितेशी नहीं है, वो अपने परिवार के हितेशी हैं। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है उसको ये मेरा एक निवेदन भी है, उनसे गुजारिश है कि आप लोग परिस्थिति को समझें, आप बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करें, बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएं। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आपको महसूस होगा कि इस देश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है सबसे अच्छी उत्तर प्रदेश में होगी, जो एजुकेशन व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में होगी, सारे न्याय मिलेंगे। और रही अपने पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जो पूरा प्रचलन चलाया, कौन ने चलाया? बहन कुमारी मायावती ने चलाया, बहन कुमारी मायावती की सोच है। यूनिवर्सिटी जो खोली है कौन ने? बहन कुमारी मायावती ने खोली है। उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बनाने का जो श्रेय जाता है वो बहन जी को जाता है और किसी को नहीं जाता।